सूर्य मंदिर का नाम आते ही सबसे पहले कोणार्क का मंदिर जहन में आता है, किंतु आपको बता दूं राजस्थान में कोटा जिले में एक जगह है बूढ़ादित, वहां पर तकरीबन 1000 साल पुराना एक सूर्य मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है। उस मंदिर में सबसे बड़ी खूबी यह है कि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है उसकी पहली किरण यह मंदिर के अंदर, जो सूर्य भगवान का जो बना हुआ मंदिर उसके अंदर पहली किरण पड़ती है, और ठीक इसके पीछे एक मंदिर के ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है जिसमें 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देवता अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये खूबी है इस मंदिर की। इसके अलावा इस मंदिर में नक्काशी जो है वो काफी हद तक देखने लायक है, क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है, कई बार देख रेख के अभाव में इस मंदिर में की जर्जर हो गई। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो मंदिर की व्यवस्था संभालते पुजारी और उन लोगों से पूछते हैं कितना पुराना मंदिर है, क्या खूबी है, किस तरह यहाँ लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं और इसकी ऐतिहासिक महिमा क्या है। सबसे पहले आपका नाम बताएं। राम जी शर्मा, बूढ़ादित। राम जी, ये कोणार्क के बाद ये मंदिर है जिसमें कोणार्क में, और इसमें क्या फर्क है और किस तरह से इस मंदिर को पूजा जाता है और इसका इतिहास क्या है? वैसे इतिहास की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं उनकी किद्वंती चली आ रही यह है कि इसमें लक्की बंजारे नाम के व्यक्ति ने इसको यहाँ पे बनाया है, क्योंकि उसकी एक कामधेनु गाय थी, वो यहाँ पर इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर बामी है, उसमें अपना जो आकर खड़ी हो जाती थी और वहां पर अपने आप दुग्ध की धारा बहने लग जाती थी, और बंजारे के माध्यम से बंजारे ने जब उसको देखा तो ऐसा कहा जाता है कि बंजारे ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। मंदिर की तो बड़ी खूबी क्या है? इस मंदिर की खूबियां तो अब धार्मिक स्थल है और आस्था का केंद्र है, लेकिन जो मुख्य खूबी है यहाँ का काजल, यहाँ के जो अखंड ज्योति चल रही है जिसका कोई पता नहीं, काफी लंबे वर्षों से वो अखंड ज्योति चल रही है और उससे निकलने वाला काजल मतलब यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक तरह से वरदान है, और आंखों से संबंधित जो रोग हैं वो इस काजल के लगाने से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा सूर्य की जो पहली किरण हाँ, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ये राजस्थान प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो हस्ताचल की ओर जाता हुआ सूर्य का मंदिर है। इस कस्बे का नाम भी बूढ़ादित इसी मंदिर की वजह से पड़ा है, और यहाँ जो कुबी है इसके जो 7 घोड़ों पर सवार प्रतिमा है संगमरमर की बनी हुई है, उस पर जैसे सूर्य उदय होता है पहली किरण वहां पर उस प्रतिमा पर गिरती है, और मंदिर के गर्भगृह के पीछे भी इसमें जो नागरशैली में निर्मित जो ये इसका गर्भगृह है उसमें एक 7 घोड़ों में सवार प्रतिमा उकेरी गई है, उसमें भी जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी जो अंतिम किरण है वह भी सीधी उसी पे जाकर गिरती है। यहाँ पर कोई त्योहार विशेष त्योहार पे कोई आयोजन होता है क्या? वैसे इसमें विशेष त्योहार तो इसका है नहीं, लेकिन यहाँ जो ट्रस्ट है उसने कुछ त्योहार है 5-7 त्योहार जो उसको मनाते हैं, जैसे जन्माष्टमी पे अच्छा उत्सव होता है बहुत बड़ा जो पूरे गांव के एक मुख्य है और काफी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। इसके अलावा और भी अन्य जैसे अपने रक्षाबंधन और त्योहार आयोजन किया जाते हैं, मतलब यहाँ के जो ट्रस्ट के विशेष आयोजन होता है। हाँ, बताया जाता है कि यहाँ पर मूर्ति है, अन्य सूर्य मंदिरों में मूर्ति नहीं। मूर्ति हाँ, वैसे जो बहुत सारे यहाँ इतिहासकार और विशेषज्ञ आते हैं तो वो बताते हैं कि इसको राजस्थान के कोणार्क की उपमा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कोणार्क में तो प्रतिमा नहीं है लेकिन यहाँ सूर्य की प्रतिमा है, और पुराने समय में ये आक्रांताओं का मतलब शिकार हुआ है, यहाँ पर सोने की प्रतिमा थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो पुराने बुजुर्ग लोग बताते हैं किद्वंतियों के आधार पर का जब आक्रांता आए और उस मूर्ति को ले जाने का प्रयास किया तो वह मूर्ति अपने आप सामने कुंड था उस कुंड में समा गई, हालांकि उसको तलाशने का भी प्रयास किया लेकिन वह प्रतिमा कभी मिली नहीं हम लोग। अच्छा, इसका जीर्णोद्धार भी हुआ, किसने कराया है, किस तरह? इसमें राज्य पुरातत्व विभाग में आता है, और इस गत वर्ष भाजपा सरकार थी उस समय यहाँ 58 लाख के करीबन बजट स्वीकृत हुआ था इसका मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए और सौंदर्यकरण के, लेकिन वह पूरा पैसा नहीं लग पाया और मंदिर जर्जर स्थिति में है, और मंदिर में मतलब ये इस स्थिति में आ गया, इसके कुछ जो सभा मंडप के कुछ पिलर हैं वह पिलर क्षतिग्रस्त हो गए, और अगर इस मंदिर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हम एक बहुत ही बहुमूल्य धरोहर को हम खो सकते हैं। बहुत ही बहुमूल्य धरोहर खो सकते हैं, ये कहना है आपके जो पुजारी है इन लोगों का। इसके अलावा बात करें, आपने
सुना है किस तरह से इस मंदिर की मान्यता है, किस तरह सूर्य की पहली किरण और अस्ताचल का जो मामला है कि अंतिम किरण यहाँ पर पड़ती है और उसके बाद इस गांव का नाम भी उसी आधार पर रखा गया है। तो कुल मिला के कहा जाए इस गांव इस मंदिर का जो ऐतिहासिक और ये भव्य मंदिर हुआ करता था, अभी कुछ अवशेष बाकी है, इनको जरूरत है। भारत एक्सप्रेस के लिए कोटा से संजय दत्ता की रिपोर्ट।